सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों ने कम से कम हमको महीना भर होने आ गया कमेटी को प्रोग्राम का एहसास करने के लिए, और आज यहाँ तक जहाँ तक हम पहुँचे आपके माध्यम से, आप देख ही रहे काफ़ी मीटिंग आप लोगों ने अटेंड किया है। जैसे शकील भाई ने बताया कि 7 दिन का जो प्रोग्राम है 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, वो प्रोग्राम जो है अल्लाह के करम से शहर में हमारे बड़े बड़े लीडर सेक्रेटरी साहब से पहले जो सीनियर रहे हारू अंसारी साहब, न्याल अहमद साहब, सतबीर सेठ साहब, उनके बाद अगर शहर में काम सबसे बड़ा सबसे बड़ी अगर तारीखी कोई इलिंग खेले और सबसे ज़्यादा काम करने का अगर जाल बिछा है, ऐसा मेरा अपना मानना है, वो सेक्रेटरी साहब है और सेक्रेटरी साहब ने किए उनका हक है। इसके लिए जो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है जो 7 से 14 अक्टूबर तक, इंशाल्लाह जो उनका अपना जो उन्होंने किए शहर की खिदमत, वो उनका उसका उनका अपना मेहनत अपना उनका फल है। हमारे दरमियान में हमने आसिफ भाई को आज हमने उनको बुलाया कमेटी में, और कमेटी के जिम्मेदार के होने नाते हमने इसके लिए शेख आसिफ साहब को दावत दिया। अब उनसे जो भी गुफ्तगू करना है आप लोग कर सकते। YouTube चैनल के नुमाइंदे और प्रिंट उर्दू मीडिया के तमाम ही नुमाइंदे, मैं आप लोगों का कमेटी की जानिब से, इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने रात 10 बजे इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग यहां पर आए। इरफान अली साहब और तमाम ही कमेटी के जिम्मेदारान ने आपको इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान किया, अलग अलग तौर पर आप लोगों की मुलाकात हुई, उन लोगों ने आपको पूरा प्रोग्राम समझाने की कोशिश की। शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो नेता है, और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं शेख रशीद साहब को चाहने वाले, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर के कार्यकर्ता, शहर की आवाम, अलग अलग फील्डों के लोग शेख रशीद साहब के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी किए हुए है, तैयारी जारी है, बहुत जोश है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर होने की हैसियत से कमेटी के जिम्मेदारान ने मुझसे बातचीत की और कहा कि अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ तक लाया, अब यहाँ से ये प्रोग्राम को आप हमारे साथ मिलकर संभालिए और आगे तक लेकर जाइए। और आपने देखा कुछ दिनों से मैं भी फील्ड के ऊपर आया हूँ। बहरहाल अजीत दादा पवार साहब 14 अक्टूबर को अजीत दादा पवार साहब का आना बिल्कुल तय है। जयंत पाटिल साहब का जो महाराष्ट्र के सदर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका भी आना बिल्कुल तय है। डिपोटी स्पीकर असेंबली के विधानसभा के झिरवाड़ साहब, उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। और नासिक ज़िले के NCP के MLAs, उन लोगों से भी मेरा फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है, मैं 1-2 दिन के अंदर उनको जाकर मुलाकात करूँगा कमेटी के जिम्मेदारान के साथ में, और उनको भी हम दावत देने वाले के प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। आज आप लोगों को कमेटी के जिम्मेदारान ने और हम लोगों ने इसलिए याद किया है कि इरफान अली साहब ने आपको बताया मुख्तसर में, हारून अहमद अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, सतबीर सेठ, निहाल अहमद साहब, उनके बाद में अगर सियासी सफ़र अगर 40 साल का निहाल अहमद साहब के बाद में अगर किसने तय किया है और कामयाब तय किया है जो शहर के विकास, शहर के डेवलप और शहर के गरीबों को, शहर के अमीरों को, शहर के बुनकरों को, हर तबके को साथ में लेकर चलकर आज तक शेख रशीद साहब ने 40 साल कामयाब अपना सफ़र तय किया,
और कमेटी ने जिम्मेदारान ने यह फैसला किया कि उनका आलीशान इस्तकबाल शहर की आवाम की जानिब से शहरी इस्तकबाल होना चाहिए। वो 14 अक्टूबर को बड़ा प्रोग्राम जो संतोष साइजिंग के पीछे नूरबाग ग्राउंड में होने जा रहा है, मैं आपके ज़रिए आपके माध्यम से शहर की आवाम से अपील करता हूं कि इकबालिया प्रोग्राम को तारीखी बनाने के लिए अपना वक्त निकाल कर आप लोग वहां पर शामिल रहे और शेख रशीद साहब का हौसला बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करें। उसी के साथ साथ जो कमेटी ने 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जो फैसला किया जश्न मनाने का, जो जुमा के दिन से उसकी शुरुआत ये सामने दगड़ो आयल मिल राष्ट्रपति भवन के सामने से होने जा रही है, मैं आप लोगों से, असल में आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, तमाम ही यूट्यूब चैनल के नुमाइंदे हो या प्रिंट मीडिया के हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों इस 7 दिन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, इसको कवर करने के लिए आप लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करें, आप लोग शामिल रहे और कवर करने की कोशिश करें। दोपहर 4 बजे से यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से शुरू जो प्रोग्राम होने वाला है रात 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम जुमा के दिन पहला दिन चलने वाला है अलग अलग इलाकों में, उसकी तफसील अभी आप लोगों के सामने बताई जाएगी। आप और तमाम ही अखबारात के नुमाइंदे जो है, डेली पेपर निकलता है, वीकली निकलता है, हफ्तेवारी, आप लोग इसको कवर करने की कोशिश करें। ये कोई एक पार्टी का या इस शहर का सिर्फ एक लीडर का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम को हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी तनाज़ा इस प्रोग्राम के अंदर ना हो, ना इख्तलाफ सामने आए शहर की आवाम, कोई भी सियासी पार्टी इसके अंदर इख्तलाफ ना करे, ठीक है। हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां ही शहर के अंदर सियासत करती है, लेकिन चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, कहीं ना कहीं सब लोगों का हिस्सा इस शहर को बनाने में लगा हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मुखालफत नहीं होना चाहिए, ये इत्तेहाद के साथ प्रोग्राम होना चाहिए। अगर शहर के दूसरे लीडरान अगर उनकी खिदमत करना चाहते वो भी करें, हम इख्तलाफ नहीं करेंगे। एक मैसेज, एक अच्छा परंपरा ये शहर के अंदर होना चाहिए। नियाल अहमद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ तो किसने मुखालफत नहीं की, और लीडरान का होता है तो कोई कभी मुखालफत में सामने नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है। परंपरा हमारे शहर की, हमारे शहर की तहजीब, हमारा कल्चर बरकरार रहना चाहिए। हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हम लोग सामने आमने इलेक्शन लड़ते हैं, हार और जीत होती है, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम सब लोग, अपोजिशन के लोग भी आवाम के काम करने के, आवाम की खिदमत के लिए लग जाते हैं, और जो चुन के आता है वो भी खिदमत करता है, और उसके बाद फिर इलेक्शन आता है, फिर सामने होते हैं। तो ये हमारी तहजीब है, ये कल्चर है, ये कल्चर को, तहजीब को, ये शहर को बरकरार ये शहर में रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेटी की तरफ से, मेरी पर्सनल राय मशवरा है शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों को, इसके अंदर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस प्रोग्राम को कवर करें और 7 दिन शेख रशीद साहब के साथ आप लोग प्रोग्राम को कवर करते रहे, और एक अच्छा प्रोग्राम और एक समाजी प्रोग्राम तरतीब दिया गया जो मैं अभी आप लोगों के सामने रखा जाएगा, तो समाजी प्रोग्राम, हर वर्करों ने अपने अपने तौर पर जश्न के नाम पर कहीं ना कहीं गरीब आवाम को कहीं कुछ ना कुछ तकसीम करने वाले हैं, तो ये एक समाजी प्रोग्राम को लेकर हम चल रहे हैं। ये अलग बात है कि शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हैं तो वो नाम तो रहने ही वाला है, वो हम ख़त्म नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक अच्छा प्रोग्राम है, परंपरा होना चाहिए, जो भी लीडरान इस शहर में खिदमत करे उसका इतराफ़ होना चाहिए, ये तहजीब हमारी होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर के अंदर तुम प्रोग्राम टिक लेते हो। अरुल यतामा में शेख रशीद साहब की दुआया तकरीब में शिरकत होने वाली है,
दूसरा जो प्रोग्राम है शाम 5 बजे से 6 बजे तक के दगड़ो आयल मिल में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह, और ये नुमाइश जो है वो रात 9 बजे तक के चलेगी। उसी रोज़ तीसरा प्रोग्राम जो है शाम में 6 बजे असलम अंसारी साहब के मकान महबी नगर में शेख रशीद साहब के हाथों 100 लड़कियों को बुरका तकसीम का प्रोग्राम होने जा रहा है। उसी रोज़ चौथा प्रोग्राम जो है शाम 6:15 पर अस्बा सोसाइटी की जानिब से जय हिंद बैंक के पास शेख रशीद साहब के हाथों दरख्त लगाने का प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद पांचवा जो प्रोग्राम है वो बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे अब्बास नगर चौक में शेख रशीद साहब के वज़न के बराबर मिठाइयाँ और फ्रूट तकसीम किए जाएंगे। उसके बाद छठा प्रोग्राम जो है 7:30 पर रौनकाबाद मेन रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर वहाँ की आवाम की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल किया जाने वाला है। ये हो गए 7 अक्टूबर के प्रोग्राम। उसके बाद 8 अक्टूबर बरोज़ शनिचर के दिन जो प्रोग्राम है वो पहला प्रोग्राम होने वाला है। बरोज़ शनिचर 8 अक्टूबर दोपहर 12 बजे बिरादरान वतन की जानिब से अग्रसर भवन वर्धमान नगर में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम होने वाला है, और ये इस्तकबालिया पे प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी बिरादरान वतन ने ली है। शेख रशीद साहब का इस्तकबाल करने वाले हैं। उसी रोज़ दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज असर द इशा नौरंग कॉलोनी के पास 100 फीट रोड के रोड लोटस लॉन्स में शहर की तालीमी शख्सियात, बुज़ुर्ग शख्सियात, सियासी शख्सियात, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, वकला, बुनकर, बिजनेसमैन, ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक अफराद की जानिब से एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया शेख रशीद साहब को दिया जाएगा। ये है 8 अक्टूबर का प्रोग्राम। उसके बाद 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार के दिन जश्न ईद मिलादुल नबी भी है। उस रोज़ पहला प्रोग्राम दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन आगरा रोड पर शेख रशीद साहब के हाथों गरीब गुरबा मसाकिन फकरा और माजूरों को तोहफे और तोहफ दिए जाएंगे और जुराना का नज़्म रहेगा। उसी रोज़ दूसरा प्रोग्राम अमन पसंद अदारे की जानिब से जो शहीद अब्दुल हमीद रोड पर है शाम 7 बजे RK पेट्रोल पम्प से लेकर गणेश नगर 60 पीटी रोड तक एक रैली का नज़्म किया गया है। ये नज़्म जो है वो अमन पसंद अदारे की जानिब से किया गया है। और तीसरा प्रोग्राम रात 8 बजे यानी यही रैली जो है वो रात 8 बजे गणेश नगर 60 फीट रोड पर पहुंचेगी, जहां पर शेख रशीद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम होगा। और ख़ास बात इस प्रोग्राम में अमन पसंद अदारे की जानिब से माजूरों के लिए 100 वॉकर, बेवाओं के लिए 100 ड्रेस, बुज़ुर्गों को पैदल चलने के लिए जो लकड़ी होती है ऐसे 100 लकड़ियाँ, गरीब और गुरबा में 100 राशन किट, ये तमाम चीज़ें शेख रशीद साहब के हाथों तकसीम की जाने वाली है। उसके बाद 10 अक्टूबर बरोज़ पीर के रोज़ जो प्रोग्राम होने वाला है, पहला प्रोग्राम सुबह 11 बजे ख्वातीन की जानिब से हारून अंसारी हॉस्पिटल में फल फ्रूट की तकसीम होगी। दूसरा प्रोग्राम शाम 5 बजे सलीम मुंशी नगर शकू भाई के मकान के पास शेख रशीद साहब के वज़न के बराबर फ्रूट की तकसीम और उनको इस्तकबालिया का प्रोग्राम रहेगा। तीसरा प्रोग्राम 5:30 बजे जूना आज़ाद नगर रफीक साबिक कारपेंटर रफीक पहलवान की ऑफिस के पास शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होगा। चौथा प्रोग्राम शाम 6 बजे चमन नगर मेन रोड फरद मेडिकल के पास शेख रशीद साहब के हाथों निसार भाई राशन वाले की ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है। पांचवा प्रोग्राम उसी रोज़ शाम 6:30 पर गांधीनगर चौक में तुराब सेठ और तमाम वर्कर की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होने वाला है। शाम सवा छः बजे अब्दुल रशीद राशन वाले मरहूम इनके फर्जंद काजिम शेख की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है, जो मौलाना जमाली के मकान के आगे अली वकील के मकान के पास गांधीनगर मेन रोड पर होने वाला है। इस रोज़ वहाँ पर अनाज की तकसीम होगी। सातवां प्रोग्राम जो है शाम 7:00 छठा प्रोग्राम बता रहा हूँ बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे जमूर नाला मस्जिद जैतून अज्जीन, यहाँ पर शेख रशीद साहब के हाथों मदरसे के 40 बच्चों को कपड़े की तकसीम का एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। और सातवां प्रोग्राम जो है शाम 7:30 पर ज़ियाउल इस्लाम डेपू मेन रोड गली नंबर 1, यहाँ पर शेख रशीद साहब के हाथों मुजफ्फर गाजी की ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है। उसी जगह पर एक मुशर्रफ रंगारी इनकी जानिब से शेख रशीद साहब के हाथों एक बहुत बड़ा केक को काट कर तकसीम किया जाने वाला है।
आठवां प्रोग्राम जो है वो रात 8 बजे सैलानी चौक में गुरुवार वार्ड के तमाम नौजवानों और हमदर्दों और जावेद फ्रूट वाले की जानिब से शेख रशीद साहब के वजन के बराबर मिठाइयाँ और वाकर तकसीम की जाएगी। 9वां प्रोग्राम रात 8:30 पर राजा नगर जुबैर राकिल वाले की जानिब से शेख रशीद साहब का इस्तकबाल होने वाला है। ये हो गए 10 तारीख के प्रोग्राम पीर के रोज़ के। उसके बाद 11 अक्टूबर बरोज मंगल का प्रोग्राम जो है, पहला प्रोग्राम सुबह 11 बजे सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को खातून की जानिब से फ्रूट तकसीम होने वाला है। बाकी जो प्रोग्राम आ रहे हैं 11 तारीख के, कई लोगों ने, कई अदारों ने, कई कल्बों ने प्रोग्राम मांगा है, हम 1 से 2 रोज़ में वो तय करके आप लोगों को इत्तला कर देंगे। उसके बाद 12 अक्टूबर को भी बुध के रोज़ जो है, पहला प्रोग्राम जो है मालेगांव खाटिक समाज की जानिब से बाद नमाज असर खाटिक जमात खाना आगरा रोड पर शेख रशीद साहब का एक इस्तकबाल होने वाला है। उसी रोज़ वार्ड नंबर 20 के बुज़ुर्गों और नौजवानों की जानिब से हबीब लॉन्स में शाम 7 से 10 एक शेख रशीद साहब के एजाज़ में मुशायरे आम होने वाला है। 13 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात पहला प्रोग्राम जो है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के लोटस लॉन्स नौरंग कॉलोनी 100 फीट रोड पर ख्वातीन की जानिब से शेख रशीद साहब के एजाज़ में एक बड़ा इस्तकबालिया तकरीब होने जा रही है। और उस रोज़ और भी प्रोग्राम आए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। अब 14 अक्टूबर बरोज जुमा के दिन जो सबसे अहम प्रोग्राम होने वाला है इस्तकबालिया जलसे आम बा एजाज़ अली जनाब शेख रशीद साहब शाम 7 बजे से 10 बजे तक के। और इस प्रोग्राम में हमारे पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनाब अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, उसके बाद नरहरी जिरवाड़ साहब और दीगर तमाम जो मेहमान हैं वो तकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। एक दारा बिल्डिंग के पास एक बड़ा प्रोग्राम इस्तकबालिया प्रोग्राम होने वाला है शेख रशीद साहब का, और ये प्रोग्राम कुरैश बरादरी की जानिब से होगा। इस तरह से ये प्रोग्राम है पूरे 7 दिनों का। और बाकी और कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बढ़ता है तो हम आपको इंशाल्लाह इत्तला करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी मीडिया का मैं इस कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी खलील अब्बास साहब ने एक सवाल किया कि दूसरी पार्टी के लोगों को आप बुलाओगे क्या, तो उनको मैं याद दिला दूं कि निहाल साहब का जो इस्तकबालिया फतेह मैदान में हुआ था जनता दल के नाम से हुआ था, उन्होंने किसी दूसरे आदमी को नहीं बुलाया था। लेकिन जिन जिन लोगों को उनका एतराज़ से खिदमत करना था, जैसे मैं खुद वहाँ गया था, हमारे साथ उस वक्त जमील क्रांति साहब थे वो गए थे, ऐसे बहुत सारे नुमाया अशखाज गए थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि बिन बुलाए जैसे उस वक्त हम गए थे, अभी भी अगर लोगों को लगता होगा कि शेख रशीद साहब ने शहर को कुछ दिया है तो उनका खिदमत का इतराब जब सियासी पार्टी और स्टेज लगेगा तब जो करना है करना। अगर वाकई शेख रशीद साहब की दूरंदेशी से मालेगांव शहर को कुछ फ़ायदा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं, तो उनको बिल्कुल खुले दिन से आना चाहिए और खिदमत का इतराब करना चाहिए। हम लोगों ने तो कमेटी ने सिर्फ 14 तारीख का जलसे का प्रोग्राम रखा है एतराफ़ खिदमत का, लेकिन चूँकि शेख रशीद साहब की इतनी खिदमत हैं कि लोगों ने, शहर के लोगों ने हमसे कांटेक्ट और रबता करना शुरू किया, और लोगों ने जो जो तजावीज़ दी तो हमने उसको एक हफ्ते में समेटने की कोशिश की। और आज उनकी एतराफ़ खिदमत और उनके जितने भी काम हैं वो सब इतने ज़्यादा हैं, इतने लोगों के एक हफ्ते में भी हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन हमने आज इस कमेटी में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख आसिफ साहब को बुलाया है कि किसी भी तरीके से 7 दिन के अंदर ये प्रोग्राम समेट दिया जाए। ये मशवरा करने के लिए आसिफ भाई को बुलाए हैं कि भाई पूरे शहर की तरफ से बहुत ज़्यादा तकाजे हैं। और मैं आपको एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एतराफ़ खिदमत के किसी भी प्रोग्राम में ढोल बाजे बजाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें साहबे एजाज़ को दी जाती हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की खसूसियत ये है कि इस एतराफ़ खिदमत में भी शेख रशीद साहब के मिजाज के मुताबिक, उनका मिजाज हमेशा लोगों को देने का है, लोगों को संभालने का है, लोगों का इलाज करवाने का, लोगों की सहने जो उनका मिजाज है उस हिसाब से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम में भी जितने जगह आप देखेंगे, कहीं ड्रेस गरीबों को दिया जा रहा है, कहीं
बुरका गरीबों को दिया जा रहा है, कई मरीजों को वॉकर दिया जा रहा है, बुजुर्गों को स्टिक दी जा रही है, तो इस प्रोग्राम में भी हमने उनके मिजाज का ख्याल रखते हुए, ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है, इस एतराज़ खिदमत के प्रोग्राम में भी हम लोगों को कुछ दे ही रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोगों से 7 से 14 तारीख तक पूरा पूरा ताउन आप लोग करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।